फाजिलका के विधायक दविंदर गुबाया ने नए बस स्टैंड के निर्माण का काम शुरू करवाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में शनिवार को एमएलए दविंदर गुबाया ने कश्ती चलाकर निर्माण कार्य की शुरुआत की। बस स्टैंड पर 5,48,00,000 रुपए का खर्च आएगा। 4 एकड़ भूमि में बनने वाले बस स्टैंड में सभी आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था होगी। अबोहर रोड पर डीसी दफ्तर के सामने श्री राम पैलेस की जगह पर बनने वाले नए बस स्टैंड का काम 1 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बस स्टैंड के साथ एक कम्युनिटी हॉल भी बनाया जाएगा। दविंदर गुबाया ने बताया कि अकाली भाजपा गठबंधन सरकार के समय नए बस स्टैंड के काम को लटका दिया गया था। कैप्टन सरकार के सत्ता में आने के बाद दोबारा नक्शा तैयार करवाकर काम शुरू करवाया गया है। नया बस स्टैंड बनने से फाजिलका की ट्रैफिक समस्या का काफी हद तक समाधान हो पाएगा। आइए इस संबंध में कुछ बाइट्स सुन लेते हैं। फाजिलका बस स्टैंड जेड़ा कि काफ़ी लंबे समय तो रुकया होया सी, जेड़ा कि पिछली सरकार ने एक नजायज़ बड़ा वड्डा प्रोजेक्ट बना के उन्हें शुरू किया सी। फिर जो अपनी कांग्रेस गवर्नमेंट आई, असी दोबारा जेड़े उहदे नक्शे तैयार कराए और ये कम्यूनिटी हॉल बनाने की भी जगह छड़ी है, कम्यूनिटी हॉल भी बनूंगा और जोड़ा नवे जो नक्शे पास करा के एक नवे तरीके का जोड़ा बस स्टैंड अज असी शुरुआत करवाई है और जल्द ही मैं समझदा भी जोड़ा काम है मुकम्मल पूरा हो जाना और शहर में जोड़ा बस स्टैंड एक वधिया मिलेगा। सर किन्नी जी टोटल जी पहला सी 4 किले सी बस स्टैंड का जोड़ा व्डा उन्हें बनाना सी, विचों हूँ असी कुछ जगह कम्यूनिटी हॉल वास्ते भी क्ढ़ी है और वो थोड़ी जगह कट जूगी और जिन्हें भी पैसे 5,48,00,000 रुपया जोड़ा इस बस स्टैंड लगना है और मैं समझा बड़ा वधिया बस स्टैंड इस शहर में मिलेगा। इस साल के जोड़ा पूरा जोड़ा बस स्टैंड तैयार हो जाए, वो उतो हटा के फिर सारा कुछ शिफ्ट हो के इतने आ जाऊँ वर्कशॉप। और ये कांग्रेस गवर्नमेंट की बड़ी वड्डी उपलब्धि है जोड़े इस शहर में। मैं कैप्टन साहब का धन्यवाद करदा, मंत्री साहब का धन्यवाद करदा, बलवीर सिद्धू जी का जिन्होंने जिन्हों की रहनुमाई हेठ जोड़ा काम इस शहर का विकास कार्य जोड़े बड़े जंगी पद्धर से चल रहे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।